हे गाइस, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। एक्चुअल वीडियो स्टार्ट होने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों के बारे में मैं बता देता हूँ। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मैंने कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ मेंशन करके रखी है, मतलब पब्लिश करके रखी है, वहाँ पे एक बार चेक कर लेना, वो आपके लिए क्या पता यूज़फुल हो सकता है। ठीक है, तो वीडियो को एंड तक देखना एंड कुछ भी डाउट रहेगा तो आपको पता है क्या करना रहेगा। हे गाइस, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। इस वीडियो में हम कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों के बारे में वापस डिस्कस करने वाले एंड कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों के बारे में अपडेट मैं आप लोग को दे देता हूँ, ताकि आप लोग किसी कन्फ्यूशन में ना रहो कि एग्ज़ाम कब होने वाली है, कब नहीं होने वाली। ठीक है, तो देखो, पहले सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ तो मैं बोलना चाहता हूँ कि अगर अभी तक आपने मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो आप ज्वाइन कर लो। रीज़न ये है कि वहाँ पे मैं ज़्यादा यूट्यूब पे वीडियो बनाने के लिए वीडियो रिकॉर्ड करूँ मैं पहले, मतलब रिकॉर्ड मतलब इन अ सेंस वॉइस रिकॉर्ड करूँ। ठीक है, उसको एडिट करूँ एंड फिर उसको अच्छे से मतलब सब कुछ उसका डिस्क्रिप्शन सब डिसाइड करूँ, थंबनेल बनाऊँ, तो एक बहुत लॉन्ग प्रोसेस हो जाता है मेरे लिए, क्योंकि कॉलेज भी मेरे ऑफलाइन चालू हो गए थे तो उतना टाइम नहीं मिल पा रहा जितना पहले मैं मतलब टाइम मेरे पास रहता था। तो मेन चीज़ क्या है ना, अभी शेड्यूल मेरा मतलब समझ लो, मैं शेड्यूल जो मेरे को भी नया शेड्यूल जो है मेरा, ठीक है, उसको मैं अभी डेली मतलब बोलते हैं ना, अभी उस तरीके से मैं नहीं मेरे को फिट हो पा रहा उस शेड्यूल में, थोड़ा टाइम लगेगा मुझे। तो एक इंपॉर्टेंट चीज़ मैं यही सब चीज़ बता रहा हूँ, ठीक है, कि अभी शेड्यूल क्योंकि नया है तो थोड़ा टाइम लग रहा है, वो लगेगा एडजस्ट होने में। ये मेरे लिए नहीं, किसी के लिए भी, जैसे कोई भी न्यू शेड्यूल में जब आता है चीज़ों को तो थोड़ा टाइम लगता है एडजस्ट होने में। एंड सबसे बड़ी बात ये था कि देखो, MHCET का जो भी होने वाला है 2022 का, अभी तक कुछ भी ऑफिशियली अपडेट नहीं मिला है। ठीक है, मैं पहले बता देता हूँ, MHCET कोई भी अगर स्टूडेंट देख रहा होगा, किसी भी MHCET, देखो CET तो बहुत सारे एग्ज़ाम्स के लिए अलग अलग कोर्सेज के लिए कराई जाती है, बट ये चैनल पे मैंने खासकर सिर्फ BFA मतलब बैचलर ऑफ फाइन आर्ट्स के लिए मतलब वीडियो बनाना स्टार्ट किया था अपडेट के लिए, क्योंकि उस टाइम पे कोई था नहीं अपडेट के लिए। एंड मेरे को लगता है अभी भी बहुत ज़्यादा चैनल नहीं है जो BFA के टॉपिक को कोई मतलब MHCET के टॉपिक को कवर कर रहा था, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं स्टार्ट करता हूँ। एंड इस साल भी मैंने ये डिसीजन लिया है कि मैं अपडेट देना चालू करूँगा, जब भी मतलब अपडेट जब भी स्टार्ट होगा एग्ज़ाम, तो क्या शेड्यूल होगा, कब एप्लीकेशन डेट आएंगे, क्या कैसे करना रहेगा, बट वो सब अभी तक कुछ भी डिक्लेयर नहीं हुआ है। तो आप लोग अभी टेंशन मत लो कि डिक्लेयर हो गया है, अगर आप मिस हो कर गए हो, अभी तक कुछ नहीं हुआ डिक्लेयर। ये एक वो था कि आपको एक एटलीस्ट अब राहत मिल गई, क्योंकि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट ट्वेल्थ भी दे रहे हैं, ट्वेल्थ के बाद वो BFA के लिए CET एग्ज़ाम देने वाले हैं या दे सकते हैं। कुछ स्टूडेंट हो सकते हैं जिन्होंने लास्ट ईयर दिया हो, लास्ट ईयर उनको उनके पसंद का कॉलेज नहीं मिला होगा, तो उन्होंने वापस वो दे सकते हैं। तो आप लोग भी अगर चाहे तो चैनल पे कनेक्ट रह सकते हो, क्योंकि आपको तो ऑलमोस्ट चीज़ें पता होगी, तो आप लोग को तो पता होगा कि कैसे चीज़ें काम करती है, बस आपको डेट्स के बारे में जानना रहेगा। तो आप चैनल पे जुड़े रहना, मैं ट्राई करूँगा अपडेट करने की आप लोग को, ठीक है। एंड क्योंकि टाइम थोड़ा ऐसा लग रहा है कि थोड़ा मैनेज कैसे करूँगा, बट वो हो जाएगा मैनेज। तब तक थोड़ा एक दो जन है टीम में, उनको भी मैं कनेक्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ, अगर वो लोग चाहेंगे तो वो हो जाएगा चीज़। तो उसका टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं कि आपको अपडेट कैसे मिलेगी कैसे नहीं मिलेगी। लास्ट ईयर 2021 के लिए मैंने टेलीग्राम को यूज़ किया था काफ़ी कुछ अपडेट करने के लिए, क्योंकि ऑलमोस्ट बहुत सारे एजुकेशनल चैनल जितने भी होते हैं, ठीक है, वही टेलीग्राम का फीचर बहुत उसमें मतलब यूज़फुल फीचर्स होते हैं, इसलिए मैंने टेलीग्राम पे एक ग्रुप बना के रखा था स्टार्टिंग से, ताकि आगे चल के किसी को प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। तो 2021 का जो भी डिस्कशन हुआ था, क्या नहीं हुआ था, सब अपडेट्स उसमें मैंने ऑलरेडी डाल के रखा था। एंड यही चीज़ टेलीग्राम का मुझे अच्छा लगता है कि उसमें वो चीज़ें हमेशा रहती है। तो अगर आपने टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन नहीं किया तो आप वहाँ पे ज्वाइन हो सकते हो, क्योंकि मैं क्या चीज़ें सीख रहा हूँ मैं कभी कभी उसके बारे में भी शेयर करता हूँ टेलीग्राम ग्रुप में अपने, ठीक है। तो वहाँ पर भी आप कनेक्ट कर सकते हो, आपके रिलेटेड कुछ आपको कुछ क्वेरीज हो गई तो आप पूछ सकते हो लोगों से, या एक डिस्कशन स्टार्ट कर सकते हो आप ग्रुप में, कुछ क्वेश्चन रहेगा तो वहाँ पे भी आप पूछ सकते हो। अब मेन चीज़ यही है कि देखो, अभी तक CET का 2022 का कुछ भी डेट डिक्लेयर नहीं हुआ है, क्योंकि मैं चेक करते रहता हूँ बीच बीच में, कभी भी अपडेट मुझे मिलेगा तो मैं शेयर कर दूँगा। एंड चीज़ है कि प्रैक्टिस आप करते रहो,
मैंने जब से जेजे स्कूल ऑफ आर्ट्स का वीडियो बना के डाला, मेरे को उस पर इतना अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है। एक तरीके से वो मेरे लिए अच्छी चीज़ भी है, बुरी चीज़ भी है। बुरी चीज़ ये है कि मैं एक चीज़ नोटिस कर रहा हूँ कि लोग इतना वीडियो जितना सर्च करने में अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं, उससे ज़्यादा अगर देखो इसमें भी दो चीज़ होगी, लोग सर्च कर रहे होंगे क्योंकि उनको नॉलेज लेने के लिए, बट एक चीज़ है कि लोग इतना वीडियो उसको सर्च मार के देख रहे हैं, उतना टाइम अगर वो प्रैक्टिस में लगाए तो अच्छा उनका रिज़ल्ट आ सकता है। तो यही चीज़ है कि आप लोग वीडियो ज़्यादा टेंशन मत लो, वीडियो आप कितना भी यूट्यूब पे वीडियोस देख लो, ठीक है, जब तक आप खुद से प्रैक्टिस नहीं करोगे चीज़ों को तब तक तब मतलब उतना रिज़ल्ट आपको मिलने वाला नहीं है। तो आप गलती मत रिपीट करना मेरी तरह। मैं भी ऐसे ही सोचता था कि लास्ट मोमेंट में प्रैक्टिस करके क्लियर हो जाऊँगा, बट उतना स्कोर अच्छा नहीं आएगा तो फिर आपको आपके मनपसंद का कॉलेज मिलने में थोड़ा इशू हो सकता है। तो यही सब चीज़ें हैं। एंड वीडियोस क्योंकि मैं बहुत दिन बाद डाल रहा हूँ, तो कुछ भी अगर आपको क्वेश्चन रहेगा, कुछ भी आपको क्वेरीज होगा, तो आप इस वीडियो में कमेंट करके पूछ सकते हो। चैनल के रिलेटेड अब तक कुछ भी मैंने वीडियो बनाया रहेगा, किसी भी वीडियो के रिलेटेड कुछ भी डाउट रहेगा, मैं आपके क्वेश्चन का रिप्लाई करने की कोशिश मतलब आंसर करने की कोशिश ज़रूर से ज़रूर करूँगा। आप मुझे टेलीग्राम पे कनेक्ट कर सकते हो, इंस्टाग्राम पे भी कनेक्ट कर सकते हो, इनफैक्ट बहुत लोगों के पास मेरा व्हाट्सएप नंबर भी है, वहाँ पे भी लोग अगर वहाँ पे एक्चुअली मैं बहुत कम एक्टिव रहूँगा क्योंकि शेड्यूल मेरे बिजी हो गए हैं कॉलेज की वजह से। फिर भी आप पे कुछ भी क्वेश्चन रहेगा तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हो, मैं वहाँ पे आपका रिप्लाई ज़रूर से ज़रूर करूँगा। तो मेन चीज़ यही थी। एंड बाकी जो भी है नोट्स वीट्स जो भी है मैं आपको शेयर करने की कोशिश करूँगा अभी आगे के वीडियोस में, बट मेन चीज़ यही है कि आप लोग प्रैक्टिस करते रहो, ठीक है। एंड ऐसे कनेक्टेड रहो, चैनल पर कुछ भी अपडेट होगा तो मैं आपको अपडेट कर दूँगा वीडियो के थ्रू।